हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। उत्तर प्रदेश स्टेट की तरफ से नीट पीजी 2023 काउंसलिंग से रिलेटेड एक न्यू नोटिफिकेशन आया है। इसमें काफ़ी डिटेल्स में अपडेट की गई है, खास करके यूपी स्टेट काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे एलिजिबिलिटी, सिक्योरिटी अमाउंट, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं, वैसे कौन से स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिजर्वेशन है, सीट अलॉटमेंट किस तरीके से होती है, राउंड वन में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, मॉपअप के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे करना है, और इस तमाम जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं एक एक करके सारे जानकारी को आपको देने की कोशिश करूँगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूपी स्टेट से पीजी करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यूपी स्टेट एक ओपन स्टेट है ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरीके की कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ये ओपन फॉर ऑल है, फॉर ऑल है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए यूपी का आपका एमबीबीएस होना चाहिए, यूपी स्टेट से एमबीबीएस होना चाहिए। अगर आपने यूपी स्टेट से बीएचयू से या फिर एएमयू से आपने एमबीबीएस किया है, तो आप यूपी के स्टेट कोटे के 50% काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते। लेकिन यूपी के बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज है जिससे आपने एमबीबीएस किया है, तो आप यूपी के 50% कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो यूपी में ऑल इंडिया कोटा 15% से एडमिशन लिए हैं और यूपी के बाहर से हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहें कि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका कैटेगरी का बेनिफिट मिले, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप ओपन में काउंट होंगे। ऐसा सभी स्टेट में होता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा 15% से आपने एडमिशन लिया था एमबीबीएस में किसी स्टेट में और आप रहने वाले किसी और स्टेट के हैं, तो आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे मैं बता दूं कि यूपी का जो इस बार जो रूल है, नियम है, पिछले साल के अकॉर्डिंग ही है। जो पिछले साल का तो सेम रूल है, लेकिन फिर से मैं डिस्क्राइब करता हूं। डिस्क्राइब करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडमिशन चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस चाहते हैं, तो वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, वहां से आप नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। और यदि वैसे स्टूडेंट जो हमारे यहां पेड सब्सक्रिप्शन लिए हैं और आपने जो पेमेंट किया है, हो सकता है कि कुछ और लोग हैं जो एसएम एजुकेशन नाम से या फिर किसी और कंपनी के नाम से अगर वो पेमेंट रिसीव किए हैं, तो आप 7047542127 पे अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। या फिर आपको किसी भी स्टेट में अगर एडमिशन से रिलेटेड अगर किसी से बातें चल रही है, तो आप उसके बारे में भी अपडेट करें। हो सकता है कि अगर आपके साथ गलत हो, किसी और के द्वारा किसी और मोबाइल से आपको अगर हमारे चैनल के नाम लेके अगर आपसे पेड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा हो या फिर पेमेंट लिया जा रहा हो और एडमिशन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में एसएम एजुकेशन सर्विसेज यानी कि मैं इसके लिए किसी भी तरीके के जवाबदेह नहीं होंगे। तो आप लोग को जो भी स्टूडेंट पेड सब्सक्रिप्शन लिए एसएम एजुकेशन सर्विसेज का, तो आप जो पेमेंट स्लिप है वो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए 7047542127 पे। जब भी आप अगर पेमेंट करते हैं एसएम एजुकेशन सर्विसेज पे, तो या फिर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के नाम से अकाउंट होगा या फिर सचिन कुमार सिंह के नाम से अकाउंट होगा। अगर अदर अकाउंट में अगर आपको पेमेंट आता है, तो आप उसे बिल्कुल ही ना पेमेंट करें। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी। वैसे स्टूडेंट जो नीट को क्वालिफाई कर चुके हैं, वही स्टूडेंट यूपी में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जिसको कि आपको जानना काफ़ी आवश्यक है एलिजिबिलिटी में। मैंने बताया यूपी गवर्नमेंट सीट के लिए एमबीबीएस कंपलसरी है। यदि आपने एमबीबीएस बीएचयू या फिर एएमयू से किया है, तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सीट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर आप आउट ऑफ यूपी से थे, आउट ऑफ यूपी स्टेट से थे, लेकिन एमबीबीएस यूपी स्टेट से किया ऑल इंडिया कोटा 15% से, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में आप जनरल में काउंट होंगे। यूपी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upneet.gov.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर जो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो अगर यूपी से आपने किया, तो 30 जून 2023 तक होना चाहिए। अगर आपने यूपी के बाहर से किया है, तो 11th अगस्त 2023 का होना चाहिए, मैंने बताया था। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, वैसे स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपने यूपी से एमबीबीएस किया या फिर यूपी के बाहर से किया या फिर विदेश से आपने किया, अब्रॉड से किया एमबीबीएस, तो किसी भी कंडीशन में आप यूपी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा किसी भी तरीके के आपको
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा क्योंकि यूपी ओपन फॉर ऑल है और जो सीटें हैं वो सभी के लिए कॉमन होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यूपी में डीएनबी के लिए भी काउंसलिंग होती है। डीएनबी का भी कुछ सीटें होती है, वो सिर्फ इन सर्विस कैंडिडेट के लिए होता है। जो स्टूडेंट इन सर्विस हैं, इन सर्विस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप डीएनबी का सीट ऑप्ट कर सकते हैं स्टेट काउंसलिंग से। लेकिन स्टेट में जो इन सर्विस सीटों के सीट देने के बाद भी अगर सीटें रिक्त आ जाती है, अगर वैकेंट रह जाती है, तो अदर स्टूडेंट को सीट दी जाती है। वैसे स्टूडेंट जो यूपी से डिप्लोमा किए हैं और डिप्लोमा का कोर्स क्लियर हो चुका है, तो आप चाहे तो यहाँ से डिग्री कर सकते हैं, इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, इसमें आप खुद से आप पढ़ सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं नॉट एलिजिबल स्टूडेंट के, जो यूपी स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। ऐसे स्टूडेंट जो वर्तमान में एमपीजी के कोर्सेस कर रहे हों, या फिर वो यूपी से कर रहे हों या फिर यूपी के बाहर से कर रहे हों, तो ऐसे कंडीशन में आप दोबारा पीजी सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन आप अगर यूपी से कर रहे हैं तो बेसिकली आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन यूपी के बाहर से कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अपना पेनल्टी पे करके। ऐसे अभ्यर्थी, अगला पॉइंट, जो क्या बोलते हैं अलीगढ़ यानी कि एएमयू बीएचयू से अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, खास करके गवर्नमेंट सीटों के लिए। यूपी के लिए जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, वो राउंड वन और राउंड टू के लिए वो 3000 रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज की जाती है। यदि आप यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 3000 रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए होगा, ये आपको राउंड वन और राउंड टू के लिए। लेकिन आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो राउंड वन और राउंड टू का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको वैलिड नहीं होगा। इसके लिए आपको मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आपको 2000 रुपीज़ का फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा। कभी कभी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करने पड़ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का। वैसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट सीटों के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको 3000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 30000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होता है 3000 और नॉन रिफंडेबल, लेकिन सिक्योरिटी होता है 30000 और रिफंडेबल होता है। अगर आप प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 लाख रुपीज़ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। यदि आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए करते हैं तो भी आपको 3000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। यदि आप डेंटल कोर्सेज के लिए कर रहे हैं तो 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना होगा। ये जो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन आपको पे करना है, ना कि ऑफलाइन। यूपी में एक और ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या है यूपी का, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। वैसे स्टूडेंट जो यूपी में राउंड वन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं या राउंड टू में करते हैं या मॉपअप में करते हैं, किसी भी राउंड में अगर आप काउंसलिंग करते हैं और सीट अगर अलॉट हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट हो फॉरफिट कर ली जाएगी। यूपी में किसी भी तरीके के कोई फ्री एग्जिट नहीं है, इसलिए यूपी में जब भी काउंसलिंग करें तो सोच समझ के करें, नहीं तो आपको 2 लाख रुपीज़ प्राइवेट के लिए या फिर 30000 रुपीज़ गवर्नमेंट के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको फॉरफिट हो सकता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट एक बार हम देखते हैं, आप काउंसलिंग का प्रक्रिया यहाँ पर देखिए। यूपी में एक और प्रॉब्लम है कि यदि आप राउंड वन में यदि आपको सीट अलॉट हो चुका है और आप उस सीट को ज्वाइन कर लिए हैं और इस सीट को आप छोड़ना चाहते हैं, आपको ये सीट पसंद नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले आपको सीट को रिजाइन करना होगा। यदि आप 2 दिन पहले नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपको ट्यूशन फी है उसमें से 50% आपको फॉरफिट कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम एक एक करके चलते हैं। यदि आपने यूपी में सीट लिया, राउंड वन में सीट अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन किया और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो 2 दिन पहले यदि आप राउंड टू के चॉइस फिलिंग के 2 दिन पहले छोड़ते हैं तो आपको ओनली जो आपने 5 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ये आपको फॉरफिट कर ली जाएगी। बाकी के जो आपको ट्यूशन फ़ी है जो आपने दिया है वो आपको वापस आ जाएगा, यानी कि रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो राउंड वन में जिन्हें सीट अलॉट हुआ और आप उस सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट करके आपको राउंड टू में फ्रेश 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। अब देखते हैं हम यूपी में, सबसे पहले एक चीज़ और जानते हैं, यूपी में जब भी आपको सीट अलॉट होता है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है डायरेक्टर ऑफ जनरल पेएबल एक्ट लखनऊ के नाम से। इसके लिए कुछ नोडल सेंटर बनाए जाते हैं, उस सेंटर पर जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता है ऑल डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ। और ये मैंने बताया ना, भूल गया था मैं, और एक चीज़ और मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा
तो मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट को सीट अलॉट होता है या फिर राउंड वन में अगर अलॉट होता है, आप त्यागपत्र देना चाहते हैं, सीट को रिजाइन करना चाहते हैं, तो यदि आपको राउंड वन में सीट मिला तो राउंड टू के चॉइस फिलिंग के दो दिन पहले करते हैं तो सिर्फ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा। यदि आप उसके बाद करते हैं तो आपका 50% ट्यूशन फी में से और या फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट दोनों आपको जब्त कर ली जाएंगी। इसके बाद जो आपको दिया हुआ है, यदि आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलती है और उसे आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो मॉप अप राउंड काउंसलिंग से पहले अगर आप त्यागपत्र देते हैं तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट के साथ साथ 50% ट्यूशन फी में से आपको काट लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जिसके बारे में जानना आप लोगों को काफ़ी आवश्यक होगा। वैसे स्टूडेंट जो मॉप अप राउंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे थोड़ा इससे देखते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिला या फिर राउंड टू में सीट नहीं मिला, आप मॉप अप में जा सकते हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जो राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे ना ही राउंड टू में किए थे तो भी आप मॉप अप में जा सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट मिला और राउंड टू में उन्होंने अपग्रेड के लिए किया लगाया और अपग्रेड हो गया या फिर अपग्रेड नहीं हुआ, इन दोनों कंडीशन में मॉप अप में नहीं जा सकते हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट मिला था और उस सीट को छोड़ दिए थे और फिर से राउंड टू में पार्टिसिपेट किए और उन्हें सीट नहीं मिला तो भी आप मॉपअप में नहीं जा सकते हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिला था, सिर्फ राउंड टू में सीट मिला और उस सीट को त्यागपत्र लेते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे कंडीशन में भी मॉपअप में नहीं जा सकते हैं। तो ये आपको वहाँ का कुछ रूल नियम है जिसे आप खुद से भी पढ़ें, हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक भी हो, लेकिन वैसे तो मैं पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, लेकिन एक बार अपने से खुद से आप जरूर इसे एक बार रीड करें, अदरवाइज आपको बाद में पता चले कि आप गलती कर दिए। यूपी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती होती है, यूपी में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ मिस्टेक होती है, या फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है जिसमें उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाता है। और अभी थोड़ा बहुत नहीं, 1000 रुपीज़ नहीं, 10000 रुपीज़ नहीं, 2-2 लाख रुपीज़ बर्बाद होते हैं। ऐसे में किसी एक्सपर्ट का अगर सहारा लेते हैं, किसी एक्सपर्ट के थ्रू अगर काउंसलिंग कराते हैं तो आपका 2 लाख के साथ साथ टॉप के कॉलेज, अच्छे ब्रांचेस भी मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 4-5 स्टेट में काउंसलिंग करते हैं, उसमें से 2-3 स्टेट का आपका सिक्योरिटी चला जाता है, यानी कि 2 अगर स्टेट के जाता है तो 4 लाख रुपीज़, 3 स्टेट के जाता है तो 6 लाख रुपीज़। लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट का अगर सपोर्ट लेते हैं तो ये 3 लाख रुपीज़ तो बचेगा ही बचेगा, साथ में आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बिल्डअप होंगे। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा, काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली, यूपी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ही जल्द आएंगे, बाकी जो भी स्टेट के आते जाएंगे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज जम्मू एंड कश्मीर का भी काउंसलिंग शेड्यूल आया है, ऐसे लगभग तेलंगाना का चल रहा है काउंसलिंग, पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश का चल रहा है, और ऐसे में आपको केरला का भी काउंसलिंग चल रहा है, लेकिन सिक्किम, मणिपाल और गुजरात का काउंसलिंग प्रोसेस फिनिश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।